राशि है और संपूर्ण प्रभाव प्रभाव जो होता है मूर्धन्य राशि पर पड़ता है। अतः मेष राशि को गोचर ग्रह कैसे रहेंगे, मेष राशि को दूसरे स्थान पर बुध रहेगा और शुक्र रहेगा, वृषभ राशि का शुक्र रहेगा और मेष राशि पर सूर्य रहेगा प्रथम लग्न पर, और गुरु शनि ये दोनों ग्रह दशम स्थान पर जाएंगे, ग्यारहवें स्थान पर मंगल पहुंच जाएगा। ये गोचर ग्रहों की स्थिति रहेगी तथा अष्टम स्थान पर और नवम स्थान पर चंद्रमा रहेगा। इस प्रकार से गोचर ग्रहों का जो भ्रमण है उसके अनुसार राशि फल बताने जा रहा हूँ। गोचर ग्रहों के अनुसार जो राशि फल घटित होती है ये जन्म राशि से देखा जाता है, जन्म नाम की जो राशि है उससे देखा जाता है, ना कि आप जो है चालू नाम से कोई, क्योंकि व्यक्तियों के दो नाम होते हैं, एक राशि का नाम एक चालू नाम। तो चालू नाम से नहीं, घटित होती है जो आपकी जन्म राशि जन्म नक्षत्र के अनुसार जो राशि गई है। जैसे आपका चू चे चो ला ली लू ले लो आ, ये जो नौ अक्षर हैं ये मेष राशि पे आते हैं। जिसका नाम चू चे चो ला ली लू ले लो आ, इन अक्षरों में जिनका नाम है उसको 10 तारीख से 16 मई के बीच का क्या रहस्य है, क्या भविष्य है, वो बताने जा रहा हूँ। एक तो उच्च राशि का सूर्य चल रहा है तो एकदम उच्च सूर्य क्या करता है, ऊर्जा शक्ति बढ़ाता है। गवर्नमेंट से संबंधित कोई अच्छा लाभ देने वाला है, जॉब नहीं हो तो जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट से संबंधित जो कार्यक्रम आपके चल रहे हैं सरकारी नौकरी में जो हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, एकदम अनुकूल वातावरण रहेगा। और जो कोर्ट मुकदमा किसी के अगर चल रहे हैं तो मेष राशि वालों के लिए लग्न का सूर्य है ये उत्तम फलदायक रहेगा, ऊर्जा शक्ति इसकी बढ़ावा करेगी। दूसरे स्थान पर षष्ठेश बैठा हुआ है छठ में, तो कुटुंब में धन से संबंधित कुछ विवाद हो सकता है, परिवार में धन से संबंधित कुछ विवाद हो सकता है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा शुक्र वक्री हो रहा है तो वक्रित्व काल में शुक्र अति शुभ फलदायक होता है, तो दाम्पत्य जीवन का कारक शुक्र होता है, गृहस्थ जीवन एकदम मंगलमय होगा, वातावरण गृहस्थ जीवन में सौहार्दपूर्ण बनेगा, खटास चल रही वो दूर हो जाएगी और अनेक स्रोतों से लाभ होने के साथ साथ धन के आगमन बढ़ेंगे, इसका ध्यान रखना है। तीसरा कर्म क्षेत्र में गुरु शनि चल रहे हैं तो गुरु शनि एकदम अधिकार युक्त पद प्रतिष्ठा लाभ कर्म क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। लाभ क्या, कर्म क्षेत्र का लाभ क्या होता है, कर्म की सिद्धि। आप जॉब के लिए एप्लीकेशन दिए हैं तो सफल हो जाएगा, जॉब के लिए प्रयासरत है तो प्रयास आपके सफल हो जाएंगे, ये सब होगा। दूसरा भूमि संबंधी जमीन से संबंधित लाभ, यानी आप भूमि खरीद रहे हैं, मकान दुकान कुछ खरीदने की योजना बना रहे हैं, वो आपको कार्यक्रम सफलता की ओर अग्रसर होगा। इस प्रकार से मेष राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है वो उत्तम फलदायक होगा। अब खराबी क्या रहेगी कि कुछ परिवार में कुटुंब में विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। दूसरा वाणी में आपकी मधुरता कलात्मकता होने के साथ साथ में कभी कभी वाणी आपकी जो है तो अनर्गल निकल सकती है, जिससे विवाद हो सकता है, ऐसा भी ध्यान रखना है। इस पर ध्यान रखते हुए मेष राशि वालों के लिए दिनांक 10 से दिनांक 16 तक का समय बहुत अनुकूल है और इसका वातावरण का ध्यान रखते हुए व्यवहार करना चाहिए। आज जो है मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह का फल मैंने आपको दर्शाया, अगली राशि का दूसरे समय बताऊंगा। हरिओम।
हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान, लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।